राजधानी जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में आरपीएस सुनील प्रसाद शर्मा द्वारा लिखे नावल लॉकडाउन रोज नामचा का विमोचन आईपीएस एस संगीथर, आईजी जयपुर रेंज आईपीएस शंकर दत्त शर्मा, एसपी जयपुर ग्रामीण, वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार ईश्मधु तलवार, पिंक सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेश मीणा और वरिष्ठ साहित्यकार लोकेश कुमार सिंह साहिल द्वारा किया गया। सुनील जी शर्मा डी एस पी साहब जो जयपुर ग्रामीण में पदस्थापित है उनके द्वारा लिखा गया है और लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना वॉरियर्स है उनके द्वारा किस परिस्थिति में क्या काम किया जा रहा है, क्या काम किया गया था, उसकी क्या संवेदनशीलता, इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है, बहुत अच्छा किया है। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि सुनील जी लिखी किताब ये सभी लोग पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग काम करें, उसमें रह करके इतना संवेदनशील कोई हो कि न सिर्फ वो चीज़ों को महसूस करे बल्कि उसको अपनी कलम के सहारे कागज पे उतार दे, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अक्सर देखता हूँ कि ऐसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकली या अदरवाइज भी हाईली प्लेस्ड होते हैं उनकी तारीफ करने के लिए बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आधार बन जाते हैं। लेकिन निशान ने जब सुनील जी की किताब छापी थी कलमकार मन से, और जब मुझे मालूम चला कि वो उस पूरे लॉट की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रही, मोर देन 3,000, निशान को भी वजह देता हूँ कि निशान तुमने एक ऐसी कलम को हम सब लोगों से परिचित कराया जो मूलतः हमारे ही गिरोह की है लेकिन पुलिस में है। हम जो लिखने पढ़ने वालों का जो गिरोह है सुनील जी मूलतः उसके हिस्सा हैं। ये और अच्छी बात है कि पुलिस में एक जिम्मेदार पद पर है, संवेदनशील मन रखते हैं। हम जब छोटे थे तब से हमने घर में फूटियों पर खाकी वर्दी लटकी हुई देखी है। मेरे ताऊ जी सोनलाल तलवार जयपुर से डीवाईएसपी के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वे घर में बहुत कोमल होते थे, फिल्म देखते तो किसी भावुक दृश्य पर रोने लगते थे लेकिन वर्दी पहनकर बाहर निकलते तो पुलिस वाले हो जाते थे। एक कठोर अफसर के रूप में उनकी ख्याति थी और गुंडे बदमाश उनके सामने डरते थे, कांपते थे। कहने का तात्पर्य यह कि पुलिस को मैंने बहुत नजदीक से देखा है लेकिन एक बात का मुझे हमेशा मदार रहा कि लोग हमारे ताऊ जी से डरते थे, उन्हें प्यार नहीं करते थे। और अलग इससे एक अलग प्रसंग है और बड़ा दिलचस्प, इसलिए मुझे याद आ गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत पहले की बात है, 70 का दशक होगा, तो भरतपुर में एक थानेदार होते थे जो छुरी के नाम से मशहूर थे और उनका बहुत आतंक था। जो मेरे ताऊ जी सोनलाल तलवार वन डिवाइस के रूप में तबादला होकर गए तब लोग ये कहते थे कि पहले एक छुरी से परेशान थे और अभी तलवार हो रहा है। यूं देखा जाए तो आम आदमी के दिल में पुलिस की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं है लेकिन इस लॉकडाउन में जयपुर में हमने पहली बार पुलिस का एक नया चेहरा देखा और इस चेहरे का एक बड़ा प्रतीक बनकर सामने आए सुनील प्रसाद शर्मा, जो पुलिस डंडे और बंदूकों से जानी जाती है। उस पुलिस के हाथ में इस बार खाने के पैकेट थे और लोगों को पहनाने के लिए मास्क थे। इस दौर में सुनील प्रसाद शर्मा को मैंने खुद पूरियां तलते हुए देखा है। सुनील शर्मा ने अपने व्यवहार से लोगों को बताया कि डरावनी लगने वाली खाकी वर्दी के अंदर एक दिल भी धड़कता है। सुनील प्रसाद शर्मा की इस बात के लिए खुले दिल से तारीफ की जानी चाहिए कि अपराधों की फाइलों के जंगल में भी उन्होंने अपनी संवेदनाओं को बचा कर रखा है। जी, आईजी जयपुर रेंज और वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार यूं कहें हमारे मार्गदर्शक जो हर पल हमें एक गाइड के रूप में जिनका आशीर्वाद मिलता है, ईश्मधु तलवार जी जिन्होंने जयपुर में एक साहित्य की दिशा को एक नया मुकाम दिया, मंच दिया और पीएलएफ के जनक तलवार साहब
साहिल साहब जो मैं बात भी नहीं करूं तो भी इनका प्यार मेरे अमरत रहता है, और आज जिस जिनकी वजह से यहाँ पर हम उपस्थित हैं, बड़े भाई सुनील जी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी लॉकडाउन रोजनामचा मौत मिले परमाटी में। सक्रिय एक बहुत एक्टिव मेहनती पुलिस ऑफिसर रहते भी सुनील शर्मा जी अपने पूरा काम रेगुलर काम को जो हम लोग बैरिंग करते हैं मुझे मालूम है अपने काम से रेगुलर तो सरकारी काम में 100% डेडिकेशन निकालने के साथ साथ अपना जो पर्सनल हॉबी है साहित्य में फिल्म मेकिंग वगैरह में बराबर इंटरेस्ट रखते हैं, बराबर लिखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिसे मुझे एक तरह से नहीं कहूँगा तो कुछ जलसा लगता है। आजकल हम लोग कोशिश करते हैं कभी आ रहा है एक पेज एक एक रोज बरोज पढ़ लें, पर कोशिश के बावजूद हम पढ़ नहीं पाते, एक तो आदत खराब हो जाती है, डिसिप्लिन की कमी है, फोकस हट जाता, और एक सबसे बड़ा दुश्मन सोशल मीडिया आने की बात तो सरकारी गैर सरकारी काम से करें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। उस हिसाब से इतना डाइवर्सन इतना बिजी शेड्यूल के बीच में इसके बावजूद सुनील जी ने एक बहुत बढ़िया उपन्यास लिखा, इसके लिए पर्सनल तौर पर मैं आपको बधाई देता हूँ। इस तरह से मैं एक तमिल भाषी आदमी हूँ इसलिए हिंदी में नॉलेज कम है, उसके बावजूद मैंने तो मैं जल्दी में नावल पढ़ने की कोशिश करी थी। एक तरह से मैं नावल को समझ पाई आइडियल रियलिज्म वाली श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है महेश है मदन दोनों एकदम आइडियल लोग हैं, ऐसे लोग समाज में बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, बहुत माइनॉरिटी में हैं, और वो लोग उनकी अधिक एक्टिविटी एक तरह से आप कह सकते हैं ना इंसान कैसा होना चाहिए कैसा जीना चाहिए उस हिसाब से एक आइडियल लेवल पे उनका जो एक्टिविटीज हैं। कोरोना काल के बारे में बेहतरीन ढंग से उपन्यास लिखता है। इसमें कोरोना काल के टाइम में मजदूर लोगों का जो समस्या है या डॉक्यूमेंट करके एक बढ़िया उपन्यास लिखता है। एक तरह से अपनी कोरोना काल को तो हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट के रूप में उसको देखा जाता है। ऐसा दस्तावेज है जो कोविड-19 महामारी के दौरान एक मानवीय संवेदनाओं से किस तरह से प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए रवाना हुए, एक सब कुछ छोड़ के, और उनकी कि एक तमन्ना थी एक इच्छा थी कि अगर भय होता है मौत आती है तो उनकी माटी में मिले। ये इस तरह की मजदूरों की प्राप्ति है, एक उनका पीड़ा है जो इसमें उजागर किया गया। साथ ही इस उपन्यास के माध्यम से एक सरकारी सिस्टम में जहाँ कमियाँ रही है उस पर भी यक्ष प्रश्न खड़ा किया गया। सबसे मेरी प्लानिंग और प्रायोरिटीज़ तो मेरी नौकरी है, लेकिन उसके बाद भी जब भी मुझे समय मिलता है तो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई चीज़ों पे मैं लिखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कार्य से, अपनी लेखनी से, अपनी सृजनशीलता से पुलिस विभाग की छवि को जनता के समक्ष और सुस्थापित कर सकूँ, स्वच्छ और साफ छवि के रूप में रख सकूँ, ये मेरी कोशिश है।